फ्रेंड्स, इस वक्त हम कुंडा हनुमानगढ़ जा चुके हैं, जहां पर माननीय विनोद कुमार सोनकर जी आए हुए हैं, जो कि भारत की 16वीं लोकसभा के सांसद हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी को सुनाते हैं सोनकर जी द्वारा कही गई बातें। तो मैंने कहता खाली डिब्बा ढेर बसता है जी, भरा डिब्बा वाला कम बसता है। और मैं आज इस सम्मानित मन से कह के जा रहा हूँ, जो एक इंटर सिटी चलती है, अभी एक काउंटी में कल स्थापित करवाया, गुंडा बाबागंज के लोगों को, विशेषकर गुंडा के व्यापारियों की एक मांग बहुत लंबे समय से बाकी है। क्या बाकी है? जो इंटरसिटी सुबह कानपुर से चलती है, दोपहर में यहाँ आती है, शाम को दोबारा वापस आती है, 2024 के मतदान से पहले वो प्रयागराज से चलना प्रारंभ होगी। तो पहले कल्पना करिए, 14 मनई नहीं मिलते थे साहेब, अब आज तो देखिए ना 500 लोग हैं। और जब मैं देखूं तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कमलेश को देखा, डिंपू को देखा तो याद आया, अभी कई नगर पंचायत बनाना बाकी है। और कहा बाकी है जी, संग्रामगढ़, वहाँ एक बड़े नेता मेरे बड़े भाई रहते हैं, वहाँ का एक नगर पंचायत बनाना बाकी है। और बागराय को भी नगर पंचायत बनाना बाकी है। और सबसे बड़ी बात है, कुंडा और बाबागंज में जो चौसा आम है ना, उसके लिए एक्सपोर्ट हाउस बनाना बाकी है कि नहीं? और ये तभी बनेगा जब आपका एक वोट का आशीर्वाद मिलेगा। आपने एक वोट का आशीर्वाद दिया तो ट्रेनों का ठहराव शुरू हो गया, आपने एक वोट का आशीर्वाद दिया तो 3-3 ओवर ब्रिज का निर्माण हो गया, आपने एक वोट का आशीर्वाद दिया तो 4 लेन सड़कों का निर्माण शुरू हो गया, आपने एक वोट का आशीर्वाद दिया तो गरीबों को अनाज मिलने लगा, आपने एक वोट का आशीर्वाद दिया तो गरीबों को आवास मिलने लगा, आपने एक वोट का आशीर्वाद दिया तो 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बनने लगा। इसलिए मैं आप सभी का निवेदन करते हुए, आप सभी का धन्यवाद करते हुए, आप सभी का अभिनंदन करते हुए, इस आशा और उम्मीद और विश्वास के साथ कि जो विकास की बम्बा, विकास की जो गंगा, मैं बम्बा इसलिए कह रहा हूँ भैया, क्योंकि बोलना भूल गया था, गुंडा और बाबागंज में 2014 से पहले कई गांव ऐसे से विद्युतीकरण नहीं हुए थे। आज गुंडा और बाबागंज का कोई गांव बचा नहीं है, तो विद्युतीकरण का काम प्रारंभ हो गया या पूरा हो गया हो। और बम्बा इसलिए कहता हूँ कि 2024 से पहले गुंडा और बाबागंज के प्रत्येक गांव को, प्रत्येक घर से, घर को नल से जल देना शुरू कर दूंगा। और ये बम्बा का जो विषय यही है, तो मैं इतना निवेदन और प्रार्थना करते हुए, आपकी आशीर्वाद की आकांक्षा करते हुए, और इस पूर्ण विश्वास के साथ कि आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा और कुंडा और बाबागंज में जो विकास की गंगा बह रही है वो रुकने ना पाए, इतना निवेदन और प्रार्थना करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। वंदे मातरम भारत माता की। आशीर्वाद को रिस्टोर भी बनेगा जी, और कथनी करने में अंतर नहीं है साहेब, जो कहा है वो किया है। अब आदरणीय सांसद जी द्वारा होने जा रहा है, आप लोग अपने स्थान बैठे रहें और सब लोग जलपान करके तभी उठेंगे। स्वागत करें अब आदरणीय। अभी यहाँ से जा रहा हूँ अयोध्या रामलला का दर्शन करने, और आज ही घोषणा करता हूँ सबके सामने, 2024 के चुनाव जीतने के बाद 60 साल से ऊपर जितने वरिष्ठ हैं, चाहे
माता और पिता हो, सबको कौशाम्बी विकास परिषद यानी मेरी तरफ से निःशुल्क रामलला के दर्शन की व्यवस्था की जाएगी। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। विनोद सोनकर जिंदाबाद। सभी लोग कृपया कृपा करके ही जाए। आज दिनांक 26 फरवरी 2024 को अमृत भारत शिक्षण योजना के अंतर्गत शिलान्यास के इस अवसर पर कुंडा हनुमानगंज। आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।